अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों जो कुवैत से आ रही है, दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि दो कुवैती लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। अब दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से दो शख्स को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि बिल्डिंग का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सीवेज ड्रेनेज में वो फेंक रहा था, जिसके वजह से दोस्तों कैमरा के सीसीटीवी कैमरा के वजह से वो उसमें कैप्चर कर लिया गया और ये वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से तुरंत ही वहाँ पे क्विक एक्शन लिया गया और दोनों कुवैती को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग की दोस्तों जो वेस्ट मटेरियल होता है, दोस्तों आप लोग को पता हो कूड़ा करकट वगैरह हो गया जो कि बेकार की चीज़ें होती हैं, वो फेंक रहा था सीवेज ड्रेनेज में, जिसकी वजह से कैमरे पर देखा गया और उससे वीडियो को वायरल हो गई। तो जैसा कि दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों, वो तो सऊदी अरब मक्का शरीफ से आ रही है। तो साथियों, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि नया साल इस्लाम में पहली मुहर्रम को इस्लामिक न्यू ईयर कहा जाता है, तो मेरे तरफ से आप सभी भाइयों को नया साल की इस्लामिक न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, इसी को लेकर मक्का शरीफ में जो कि मक्का में जो कपड़ा दोस्तों लगा हुआ था जिसे किसवा कहा जाता है, ब्लैक कलर का, उसे हर साल के मुहर्रम की पहली तारीख को चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, कल के दिन मक्का शरीफ में इस किसवा को चेंज किया गया। दोस्तों जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पहले से भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसे कहा जाता है साथियों किसवा, जैसा कि आप देख सकते हैं न्यू किसवा इंस्टॉल होली काबा 1444 हिजरी, जो कि दोस्तों इस्लामिक न्यू ईयर इस साल कहा गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, 3 डोमेस्टिक वर्कर ऑफिस शट डाउन इन फरमनिया। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तरफ से 3 डोमेस्टिक वर्कर के ऑफिस रिक्रूटमेंट ऑफिस को फरमनिया एरिया में बंद किया गया है। अब दोस्तों, बंद इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों को पता होगा साथियों, वहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हर डोमेस्टिक ऑफिस का कीमत जो भी वर्कर को लाएगा 890 कुवैती दिनार से ज़्यादा नहीं ले सकता है। उसके बावजूद भी दोस्तों ये 890 कुवैती दिनार से ज़्यादा मांग रहा था, जो कि मिनिस्ट्रियल रेजुलेशन नंबर 33/2021 के तहत ये नियम को उल्लंघन करना हुआ, यानी नियम को तोड़ना हुआ, सरकार की बातें नहीं मानने का दोस्तों वॉयलेशन करने के जुर्म में 3 ऑफिस को वहाँ पे एमओसीआई की तरफ से दोस्तों बंद किया गया है अगले फर्दर नोटिस तक। अगली खबर की ओर साथियों चल, अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडिया से, पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है साथियों। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो रांची है दोस्तों, रांची पड़ता है झारखंड की राजधानी है, वहाँ पे जो एयरपोर्ट है साथियों, वहाँ पे एयरपोर्ट की उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो CICF की तरफ से कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति के लिए वो तैयार है, पर उसके बावजूद भी पूरे दोस्तों हाई अलर्ट पर रांची एयरपोर्ट को रखा गया है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी बुरी खबर है और काफ़ी चिंता की बात है। अगली खबर की ओर साथियों चलते, जो कि कुवैत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग पता होगा कुवैत में, कुवैत के साथ साथ जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं, बहुत ही भारी वहां पे बारिश हो रही है दोस्तों, की जैसा कि आप देख सकते हैं कुवैत की ये रोड है जो कि बहुत सारे जगहों पे पानी से बिल्कुल भर चुका है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों ये कहा गया है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस दोस्तों पानी को निकाला जाए। बहुत सारे कुवैत में जगहों पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है, जिसके वजह से यातायात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख भी सक रहे हो। अब अगली खबर की ओर साथियों चलते, जो कि भारत के कोरोना वायरस की संक्रमित को लेकर थोड़ी बुरी खबर है दोस्तों। बता दूं आपको कि कल के दिन 20,400 नए मामले वहां पे कल के दिन आए हैं, जिनमें से 47 मरीजों की कल के दिन मौत हो गई है। वहीं पे आंकड़ा कुल मिलाकर अब तक 4,39,79,730 मरीज अब तक इंडिया में आ चुके हैं। वहीं 5,26,258 लोगों की अब तक वहाँ पर कोविड से जान जा चुकी है। फिलहाल 1,43,988 मरीज जो है वो अभी मतलब संक्रमित है, यानी उनका इलाज वगैरह जो है वो चल रहा है। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी कोविड-19 की। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।